हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टिश्यू चैप्टर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू की टाइप्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। परमानेंट टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो सिंगल सेल का बना होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट सेल्स जो है कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये भी फर्दर टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन जाइलम एंड सेकेंड वन फ्लोएम। ओके, और ये जो दोनों है जाइलम और फ्लोएम इनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। इन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम फ्लोएम है वेस्कुलर बंडल्स भी कहलाते हैं। अब ये जो जाइलम है और ये फ्लोएम है क्या है? जाइलम बेसिकली इसका क्या रोल है? जाइलम का रोल होता है कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। व्हेयर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो जाइलम है इसमें मूवमेंट होती है वाटर की यूनिडायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। व्हेयर एज फ्लोएम में जो डायरेक्शन होती है बाई डायरेक्शनल होती है। थर्ड वन जाइलम, जाइलम के एलिमेंट्स है जाइलम फाइबर वेसल्स ट्रैकीज। वेयरएज फ्लोएम के एलिमेंट्स है फ्लोएम फाइबर सी ट्यूब सीड सेल्स कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम का मेनली काम हुआ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का काम हुआ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब जो जाइलम है ये वेस्कुलर बंडल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, वेयर है जो फ्लोएम है उसकी साइड्स में प्रेजेंट होता है। जाइलम सेंटर में और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल की साइड्स में प्रेजेंट होता है। तो आज हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि परमानेंट टिश्यू की टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू था जो कि सिंगल सेल का बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स है ये इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको टुगेदर हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है जो कि टू टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दैट्स इट।